हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, किसी कारणवश आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप उसको ठीक करने के लिए जल्दी जॉब करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद आप जॉब पाना चाहते हैं, जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, कैसे एक आसान तरीके से जॉब पाएं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और थर्ड, आज हम उसके बारे में बात करेंगे जिन स्टूडेंटों की एज ज़्यादा हो गई है या जिन लोगों की किसी कारणवश एज ज़्यादा हो गई है और अब वो जॉब करना चाहते हैं, तो वो कैसा ऐसा यहाँ पे क्या करें जिससे कि एक अच्छी जॉब पा सकें, जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी की है और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने के कारण उनकी अब एज यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, जैसे कि 28 हो गई है, 30 हो गई है, 30 से ज़्यादा एज हो गई है और अब वो चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, तो कैसे वो एक अच्छी जॉब पाएं, तो इसी के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है तो आप हमसे एवरीडे लाइव जुड़ सकते हैं 10 PM पे, वहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका जल्दी से जल्दी वहाँ पे आंसर किया जाएगा। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आपकी जो है हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो शो हो जाएगी, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे कि जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो कैसे जॉब पाएं, या जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो अब आगे क्या करें, कैसे एक जॉब पाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स बताऊंगा जिसका आप यूज़ करके एक अच्छी जॉब जो है वो पा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे इनकी वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा होगी और आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपने कंप्यूटर का यूज़ किया होगा कभी लाइफ में तो आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके काफ़ी जो है वर्जन होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस 2007 हो गया, 2010 हो गया, 13 हो गया MS ऑफिस, और 2016 हो गया, 2019 हो गया, इस तरीके से इसके काफ़ी जो है वर्जन होते हैं। तो इसमें आप किसी भी वर्जन को जो है यूज कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 13 को, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसके भी काफ़ी पार्ट होते हैं, MS ऑफिस जो होता है इसके भी वर्जन तो अलग हो गए, इसके पार्ट जो है वो अलग होते हैं, जैसे कि इसमें MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। तो इन्हीं में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है MS एक्सेल। अगर आपको इसकी नॉलेज होती है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, अगर आपको MS ऑफिस की नॉलेज है तो आप एक बहुत अच्छी जॉब पे जो है जा सकते हैं, अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल जो है टूल है, एक आप कह सकते हैं MS ऑफिस का पार्ट है, जिसमें कि काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को जो है आप आराम से इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको अगर कोई भी बिल वगैरह तैयार करना है, कोई भी शीट वगैरह बनानी है, कोई अटेंडेंस वगैरह की, किसी भी तरीके को आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी अगर वर्क करना है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप इजीली, अगर आपके पास 2 सीट है दोनों को मर्ज करना है किसी तरीके से, तो बहुत आसान तरीके से अगर फॉर्मूला वगैरह आपको इसके आते हैं अच्छे से, तो आप इसे इजीली जो है बड़े से बड़े वर्क को जो है इजी बना सकते हैं इस एक टूल की वजह से, एक ये सॉफ्टवेयर जो जैसे कि MS ऑफिस हो गया, इसका TA पार्ट हो गया MS एक्सेल, इसी के वजह से। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेल की अच्छी से अच्छी नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके जो जो इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं वो आपको आते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब जो है वो आपको प्राइवेट सेक्टर में जो है आराम से मिल जाएगी। तो आपको इसकी जो है नॉलेज लेनी है और वहीं पे आपको टाइपिंग जो है आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पूरा ही इसमें जो है टाइपिंग का है, टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप जो है इजीली जो है जॉब पा सकते हैं कहीं पे भी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वैसे तो आप इंटरनेट वगैरह से जो है वहाँ से भी सीख सकते हैं, अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो उसमें आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, MS ऑफिस इसका कोई भी वर्जन जो वो इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप क्या यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देख के, काफ़ी पूरे पूरे जो है ट्यूटोरियल जो है इसमें अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने, तो वहाँ से आप देख के जो है घर पे भी इसको सीख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप आराम से 1 से 2 महीने में जो है इसको इजीली जो है आराम से सीख जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट भी मिले और आप अच्छे से सीखें और घर पे प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो है ये कोर्स कराते हैं, जैसे कि कोर्स में तो काफ़ी कुछ जो है वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सेल भी सिखाया जाएगा, वर्ड भी सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट भी सिखाया जाएगा, टाइपिंग भी सिखाई जाएगी, इंटरनेट वगैरह का यूज़ करना भी सिखाया जाएगा, ये भी आपको सिखाया जाएगा, मगर मेन जो है जो जॉब जो मिलेगी वो आपको एक्सेल के बेस पे सबसे ज़्यादा मिलेगी और टाइपिंग के बेस पे, टाइपिंग स्पीड पे आपकी अच्छी है तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी, या आपका एक्सेल अच्छा है तो भी जल्दी जॉब मिलेगी। तो मेन फोकस जो है वो तो आपका एक्सेल पे रहेगा,
क्योंकि एक्सेल जो है बहुत, मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ और भी आप काफी वीडियो देख सकते हैं, तो एक्सेल का जो है बहुत ही एक पावरफुल जो है ये टूल है, तो इसके बारे में और भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपका मेन फोकस तो एक्सेल पे रहेगा, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ये सीख सकते हैं। ये कोर्स जो है आपका 3 से लेकर 5 मंथ के आसपास का कोर्स रहता है, इसी हिसाब से इसकी फीस होती है 5,000 या 6,000 के आसपास इसकी फीस होती है, और वो आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, तो वहाँ से आप जो है कोर्स कर सकते हैं। कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो गया उसमें आपको ये सिखाया जाएगा, आपका ये हो गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके से कोर्स हो गया। तो ये काफ़ी इस तरह के कोर्स होते हैं, कोर्सों के नाम होते हैं, वो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट में किस कोर्स में जो है आपको एक्सेल के बारे में जो है एमएस ऑफिस जो है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पूरी नॉलेज लें, और उसके बाद जो है जब भी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये सोच के कि ये आपका लास्ट है, इसके बाद आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, सीधा आपको जॉब करनी है। तो आप इसकी अच्छे से नॉलेज लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे, तो उतना ही आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। वैसे तो माना जाता है जब आप वर्क करते हैं तब ज़्यादा सीखने के लिए होता है, मगर फिर भी आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा वो करेंगे, तो आपको अच्छी जगह पे जो है अच्छी सैलरी के साथ जो है जॉब मिलेगी। आपका जब फ्रेशर होंगे, जब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ही अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे जॉब मिलने लगती है। तो वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो है कुछ ऐड कर दूंगा, बाकी अभी इतना ही, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इतना ही रहेगा कि आप ये अच्छे से कोर्स करें, अच्छे से एक्सेल और टाइपिंग जो सीखें, और जो उसमें अलग से और सिखाया जाए, जैसे कि आपको इंटरनेट वगैरह यूज़ करना, वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह भी आप सीख सकते हैं, और कैसे मेल वगैरह का यूज़ करते हैं, किसी को ईमेल वगैरह करना, तो ये आप अच्छे से सीखें, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। जैसे आपका कोर्स खत्म हो जाता है आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आपको फर्स्ट टाइम जॉब मिल जाए वहाँ आप जॉब करें, उसके बाद आप 6 मंथ 1 ईयर वहाँ पे काम करें, अच्छे से सीखें, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आप किसी और कंपनी में अप्लाई करें। क्योंकि एक्सेल सीख के आप अगर पता करेंगे, देखेंगे इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे इसके बारे में, तो एक्सेल के बेस पे ही काफ़ी लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी सैलरी पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है जॉब कर रहे हैं अकेले एक्सेल के बेस पे। उनकी टाइपिंग और एक्सेल जो है काफ़ी अच्छा है, टाइपिंग तो ऑटोमेटिक हो जाती है जब आप एक्सेल पे वर्क काम करेंगे, तो टाइपिंग तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर अच्छी एक जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी जगह पे बैठ के काम करना चाहते हैं, इस तरह की जॉब नहीं करना चाहते कि फैक्ट्री वगैरह में या किसी शॉप वगैरह पे इस तरह की आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। चाहे आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो 3 से 4 मंथ या 5 मंथ में आप ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब इतने साल आपने पढ़ाई की है तो ये भी आप कर सकते हैं और फिर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एक अच्छी जॉब जो है वो पाएँ, किस तरीके से आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में, या आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं वहाँ हमारे साथ जुड़ के, तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका वहाँ पे जो है आंसर आपको कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं जल्दी जॉब पाना, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिगड़ ना जाए, और बेल बटन पर भी क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।